फतेहपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का किया बड़ा खुलासा। 5 अभियुक्त गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत SP ग्रामीण सूरज कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार नागर के दिशा निर्देशन में फतेहपुर पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनके कब्जे से 1,80,000 नकद, बिजली का तार व तार काटने के उपकरण, मैक्स पिकअप सहित तमंचा कारतूस किए बरामद। ये क्राइम ब्रांच सहारनपुर और थाना फतेहपुर पुलिस ने मिलकर एक बिजली के तार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। यहाँ इनको इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1,80,000 रुपये कैश, 300 मीटर बिजली का तार, तार काटने वाले उपकरण, एक मैक्स पिकअप गाड़ी, 2 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। देखिए, ये जो ठेकेदार होते हैं उनसे मिली भगत करके पहले लाइन में करंट उसको रुकवा देते थे और फिर इन उपकरणों का यूज़ करके बिजली के तार काटते थे और इनको कबाड़ियों को बेच के या इसको मेल्ट करा के अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करते थे। इन 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो ये स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करते थे, खरीदते थे। दो लोग अभी वांछित हैं इस मामले में, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक की पूछताछ में किसी बिजली विभाग या किसी भी सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई।